फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन देशों को उनके भूमि क्षेत्रफल के घटते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज कंट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लैंड एरिया। आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए चीन चाइना, बी पाकिस्तान, सी मालदीव यानी मालदीव्स, या डी भूटान। चीन चाइना पाकिस्तान मालदीव मालदीव्स या भूटान। हो गया समय समाप्त, ये देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए चीन, फिर आता है बी पाकिस्तान, फिर आता है डी भूटान और अंत में सी मालदीव। ये है सही क्रम ए बी टी सी। अब ए बी डी सी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये उनके नाम है। तीन चार को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? शेख अजमत जी, क्या बात है। बढ़िए बढ़िए। कहा करते हैं थैंक यू। ताली बजते रहे इनके लिए, इनको खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको शेख साहब। सर मतलब इसके लिए तो मैंने बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था। जी जी जी। और सर होता क्या है सर, ये तो मतलब मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये मेरी एक लाइफ की फ्रेश शुरुआत है। मतलब सिर्फ गेम ही नहीं, कहाँ गांव से मतलब देहात से होकर होता क्या है, मतलब ये मुंबई शहर तक पहुंचना मैं बता नहीं सकता सर। ऐसे केबीसी के सेट मुंबई शहर फर्स्ट टाइम जो फ्लाइट में बैठना, फिर फर्स्ट टाइम ऐसे होटल में आकर रहना, ये सब सर लाइफ में मतलब कभी सोचा भी नहीं था। जी जी जी। हाँ सर। जहाज में पहली दफा बैठे? हाँ सर। होटल वगैरह ठीक था कि नहीं? अरे सर वहाँ पर सर एक ऐसे इंसिडेंट हो गया ना। हाँ मैं बताऊँ सर? हाँ बिल्कुल। गांव में क्या होता है, सबके घर में ना आंगन में एक एक छोटा छोटा तालाब होता है। जैसे नहाने का हुआ तो हम गए तालाब में, गए नहा लिए, कुछ भी यूज करने को पानी वहाँ यूज कर लिए। यहाँ जब आए होटल में, जो वो जो वॉशरूम था ना उसमें जो टेप वगैरह लगे थे, जैसे हमने वो टेप जैसे खुला खोला गया पानी का नल, जो उसे गर्म पानी निकलने लगा। गर्म पानी जब निकले तो हम तो गर्म पानी ऐसे यूज ही नहीं किए कभी, तो गर्म पानी जब निकला तो मेरे मिसेस को जब कहा, मिसेस ने मुझे समझाया, देखो ये बड़े शहर है, डॉक्टर बोलता है ना गर्म पानी अगर यूज करोगे बीमार नहीं पड़ोगे, इसीलिए यहाँ बड़े शहर में ना सब गर्म पानी यूज करते हैं। तो हुआ क्या सर? किस डॉक्टर ने बोला कि गर्म पानी से नहाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे? ये तो गाँव की जो बात है वो उल्टा है, ठंडे पानी से नहाना चाहिए भाई साहब। फिर सर सुनिए लोग है कि नहीं? हाँ ठंडे पानी से। फिर ऐसे सर दो दिन तक तो हम लोग मतलब नहाने के टाइम क्या करते थे, बाल्टी में गर्म पानी ले लेते। हाँ। और फिर उसको जो एसी चलाते वहां पर ठंडा करते, पीने का पानी उसे बचाते, फिर हम नहाते सर। ठंडा पानी भी निकलता है नहीं, उसके बाद सर देखे ना। अरे भाई साहब दो ठो बम्बा है वहां पर। नहीं वो सर इस तरफ राइट साइड बाएं हाथ वाला जो होता है ना उसमें से गर्म निकलता है, जो दाएं हाथ वाला है उसमें से ठंडा निकलता है, और बीच में एक और चुंटी होता है उसको दाब देंगे तो ऊपर से बौछार शुरू हो जाएगी। और भाई साहब हवाई जहाज का कैसा रहा आपका? वो तो सर बहुत डर लग रहा था। डर लगा? हाँ हाँ सर। डर, आपको बात बताएं भाई साहब, डर तो हमको भी लगता है, किसको नहीं लगता। हवाई जहाज जा रहा है और नीचे देखो तो ऐसा लगता है रे बाप रे, धरती तो बहुत दूर है। और जब फड़फड़ाता है ना तो ऐसे तो कुर्सी दबा के बैठ जाते हैं हम लोग। सर बहुत सी खूबसूरत वहां महिलाएं होती हैं। और चेहरे पे उनके मुस्कान होती है, वो आके पूछेंगी आपसे क्या खाएंगे क्या पिएंगे, अपना पेटी बांधिए, उठिएगा मत, वो सब बोलेंगे आपको, वो समझा देंगे आपको। मगर सर मेरे साथ तो मेरी बीवी थी ना। हाँ तो क्या हुआ? नहीं मतलब आप खूबसूरती कैसे देख सकते हैं?
हमने ये थोड़ी ना कहा है कि आपकी बीवी से ज्यादा खूबसूरत होंगी। ऑलराइट भाई साहब, तो बहुत सारा अनुभव हो गया आपका। जी सर। अब आप हॉट सीट पर आ गए हैं, तो अब आपका ध्यान जो है खेल के ऊपर आ जाना चाहिए। और पत्नी आपकी आई हुई है, उनको हम प्रणाम करते हैं। और आप अपना शुभ नाम बताइए। जरीना बेबी। जरीना बेबी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी दुआएं जो हैं अपने शौहर पे बनी रहे। ये यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत कर चुका है। ऑलराइट, तो सारे नियम तो आपको पता है, इसको दोबारा हम नहीं कहेंगे। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? शेख भाई साहब, क्या बुलाएं आपको, शेख बुलाएं या अजमत बुलाएं? सर ऐसे तो शेख सर बुलाते हैं। शेख सर जी। तो शेख सर जी, शेख, थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। थैंक यू। और वो रहा 1000 रुपए का। तैयार हो जाइए, उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रिक्त स्थान भरे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका डैश है। फिल इन द ब्लैंक्स। मछली जल की रानी है, जीवन उसका डैश है। ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए आग, बी हवा, सी पृथ्वी, डी पानी। आग, हवा, पानी। आग, हवा, पृथ्वी तो नहीं हो सकती, जीवन उसका पानी है। मतलब सर ऑप्शन डी को लॉक करें। ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फज्र, जुर, अस, मगरीब और ईशा नाम मुख्य रूप से इनमें से किससे संबंधित है? जी सर। फज्र, जुर, असर, मगरीब एंड ईशा आर नेम्स प्राइमरली एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ दीज? ए क्लोथिंग, बी प्रेयर, सी सीजंस, या डी रिलीजियस टेक्स्ट। पोशाक, प्रार्थना, मौसम या धार्मिक पुस्तक। सर ऐसे तो मैं हर रोज सर 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूँ। जी 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 सर। तो ये सर सारे नमाज हैं। ओके जी सर। जैसे फर्ज हो गए, जो फज्र और जोहर, असर, मगरीब और ईशा, ये नमाज है। यानी कि सर बताइए जल्दी से, समय निकल जाएगा। बी प्रार्थना को लॉक कीजिए। बी प्रार्थना पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब आएगा तीसरा प्रश्न आपके सामने शेख सर। ये है 3000 रुपए का। और ये जो है ये एक इमेज है, एक चित्र वाला प्रश्न है। आपको चित्र दिखाएंगे और उसी के आधार पर ये प्रश्न रखा गया है। इस प्रकार के बाइंडिंग को आमतौर पर क्या कहा जाता है? What is such kind of binding commonly called? एक आपको तस्वीर दिखाएंगे हम, ये देखिए। ये ऑप्शन सुनिए। ए स्पाइरल, बी स्ट्रेट, सी ओरिगामी, या डी स्टेपल। मतलब ये तो सर किताबों और फाइलों में दिया जाता है। तो सर मुझे डी लग रहा है, स्टेपलर। नहीं सर, लाइफलाइन लूंगा सर। अरे शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे। ओके, कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। ऑडियंस पोल अंकित हो गई है। ऑडियंस आपकी बारी आ गई, वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है। आप स्पाइरल। अरे भाई साहब क्या करेंगे सर, ए को लॉक कर दीजिए। ए स्पाइरल पे थल लगाया जाए। जनता बिल्कुल सही है। धन्यवाद। ऑलराइट शेख सर, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने, 5000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक पारंपरिक मिठाई है जो ताजा चीज और चीनी से बनाई जाती है? व्हिच ऑफ दीज इज अ ट्रेडिशनल डेजर्ट That is made from fresh cheese and sugar. Option सुनिए। A. पेठा, B. छन्ना पोड़ा, C. इमरती, या D. जलेबी। ये सर हमारे उड़ीसा के छन्ना पोड़ा। छन्ना पोड़ा? क्या करें? छन्ना पोड़ा। ऑप्शन बी को लॉक करें सर। ऑप्शन बी पे थल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सर आपने खाया कभी? जैसे ही नहीं सर, नहीं खाया है। पर खाएंगे अब आप, क्योंकि आपके चेहरे पर मुस्कान देख करके जैसे ही वो विकल्प आया ना, हाँ तो बोलने से पहले ही आपके मुंह में पानी आ गया। ओके, आ गया है पहला पड़ाव भाई साहब।
ये है पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए का। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा शेख सर। 1967 की फिल्म उपकार के एक गाने के अनुसार सोना हीरे और मोती किससे उगते हैं, है ना? According to a song from the 1967 movie उपकार, what grows gold, diamonds and pearls? ये बोल में आते हैं। अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए मेरे घर के पेड़, बी मेरे गांव के खेत, सी मेरे देश की धरती, ई मेरे शहर की हवा। जी सर, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सर ये सर ऑप्शन सी को लॉक कीजिए सर। गाना गाते हुए बोल रहे हैं सी को ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। तो जो बोल थे सर ये गुलशन बावरा जी ने लिखे थे और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था ये, और महेंद्र कपूर साहब ने ये गाना गाया था। उपकार बहुत ही सुंदर फिल्म थी मनोज कुमार जी की। हाँ सर, मैं एक बात बोलूँ? हाँ जी, दो बात बोलिए। हाँ सर, ये होता क्या सर, फिल्म तो मैं बहुत देखता हूँ, मतलब जब घर में देखते हैं ना, मैं और मेरी बीवी दोनों देखते हैं ना। हाँ। जब भी देखते हैं जैसे गाने आ जाए ना, तो रिमोट से जो है मैं चैनल चेंज कर देता हूँ, तो हम दोनों के बीच में अक्सर के झगड़ा होते हैं। ऐसे तो सर मेड फॉर ईच अदर है हम दोनों, झगड़े होते रहते हैं, इसलिए उसको गाना देखना बहुत पसंद है, मुझे सर देखना पसंद नहीं। क्योंकि सर देखिए, ऐसे देखिए कोई भी फिल्म का एक स्टोरी को आप ले लो, उसमें थोड़ा बहुत जो है किसी के ना किसी के लाइफ से जो है अटैच रहेगा जरूर सर। मगर सर गाने में जो होते हैं, जो हीरो हीरोइन कभी पार्क में जाकर नाचते रहते हैं, कभी समुंदर के किनारे, कभी गए वो पर्वत के शिखर पर, तो गाना गाते समय वो क्या करें? मान लीजिए अभी तो ब्याह हो गया आपका। जी सर। मान लीजिए कोई प्रेमिका होती आपकी, उसको आपने गाना सुनाना है, तो ऐसा कमरा में बैठ के आप आमने सामने बैठ के थोड़ा गाना गाएंगे, उनको पकड़ के ले जाएंगे हाथ। और किसी सुंदर जगह पे ले जाएंगे। सुंदर जगह पे क्यों ले जाएंगे? क्योंकि उसके बाद जो आप गाना गाने वाले हैं ना, वो जगह की सुंदरता से ज्यादा खूबसूरत आपकी प्रेमिका होगी। पहाड़ों पे इसलिए जाते हैं बता सकें कि ये पहाड़ है, लेकिन ये पहाड़ की खूबसूरती आपकी खूबसूरती से कम है, है कि नहीं? और क्या है सर, अगर आमने सामने बैठ करके गाना गाएंगे, उसके ऊपर पिक्चर बनाएंगे और जितने लोग हैं सब अपना सब कर रहा है, तो करके निकल जाएंगे। अब इतना बोलने के बाद जी सर, आप कभी जरीना बीबी को ले गए थे क्या कहीं गाना वाना सुना? सर गाने के तो उनको मत ही बोलिए, ना फिल्में देखते हैं ना गाने सुनते हैं। तो वो क्या प्रेमिका को लेके जाएंगे गाना गाने? शाबाश। तो मुझे तो डाउट था इस क्वेश्चन का आंसर भी शायद उन्हें ना मालूम हो, क्योंकि गाने के था। बताइए सर, गाना वाने दे सुनने दिया कीजिए उन्हें। उन्हें बोलिए वो भी सुनता कि थोड़ा रोमांटिक हो जाए, पुराने जमाने का ख्याल भूल जाए। सर पिटारा खोल गया है अब तो, अब जितने कुछ दिल की बातें थी जी सर बोल दिया है जरीना बीबी ने। भाई साहब देखिए, घर पे जब आप देखते हैं ना टीवी, तो जरीना बी को ऐसे बगल में बैठाइए। हाँ। और कुछ ये चिन्ना पोडा वगैरह सामने रख के थोड़ा सा ना जी सर, जी सर एक हाथ जो है ना धीरे धीरे, पहले देखते देखते रहिएगा, पहले देखते रहिएगा देखते रहिएगा, उनकी तरफ मत देखिएगा, ऐसे लगेगा आप वो देख रहे हैं, ऐसे चुपचाप से हाथ लेकर के ऐसे गले के पीछे डाल दीजिए। सर एक बात बता दें आपको, उस रात जो आपको खाना मिलेगा वो इतना स्वादिष्ट होगा हम बता नहीं सकते आप। जी सर सही कह रहा हूँ कि नहीं? जी सर, जी सर हाँ, सही वो उनको क्या है सर, पत्नी है, उनको कभी कभी बताना पड़ता है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह है। नहीं नहीं, वो
वो डांट देंगे कभी, प्यार से बताएंगे नहीं हमें तुझे। खाने में कुछ भी हो कम ही निकाल देंगे, तूने ऐसा बनाया वैसा बनाया, कभी तारीफ नहीं करते जो आज अच्छा बना है। इतना मेहनत कभी नहीं बोलते सर। सारा पोल खोल सर, देखिए इस खेल का नाम है KBC, पोल खोलने वाला नाम नहीं है इसका। पूरे परिवार का पोल खोल दिया है आपने। ये है आज का सवाल। देवियों सज्जनों, बदलाव के इस बिगुल के साथ साथ समय आ गया है सवाल का। चलिए देखते हैं कि आज का किस देशवासी ने किया है सवाल। ये देखिए, ये गुजरात से आएंगे कोई। केम शो, मेरा नाम भावेश गोयल है, मैं गांधीनगर से हूं। मेरा सवाल ये है कि फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कहां पे आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन सी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, ऑप्शन डी एम ए चिदंबरम स्टेडियम। वोटिंग मीटर आपके हाथ में है और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और उत्तर भी आ गया है। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 75 कौन है? 75। अरे सर बधाई हो आपको, बहुत बहुत मजा। बढ़ जाइए बढ़ जाइए बढ़ जाइए। अपना शुभ नाम बताइए। सुधीर नावरकर, नासिक से हूँ सर। सुधीर, हाँ। ओके, सबसे पहले तो सही उत्तर बताइए क्या था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बिल्कुल सही जवाब दिया, ताली बजा इनके लिए। आपके लिए एक उपहार है छोटा सा, जोरदार तालियां बजाया। अब देखिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड और छठा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 20,000 रुपए। तैयार हैं? जी सर। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस क्षेत्र में तंजावुर, मैसूर और कलमकारी नामक चित्रकला शैलियों का विकास हुआ है? इन विच रीजन ऑफ इंडिया डिड द पेंटिंग स्टाइल्स नेम्ड तंजावुर, मैसूर एंड कलमकारी डेवलप? ए वेस्ट, बी नॉर्थ ईस्ट, सी नॉर्थ या डी साउथ? पश्चिम, पूर्वोत्तर, उत्तर या दक्षिण? सर इसमें जो ये मैसूर तो दक्षिण में आता है जी, मतलब सर और तो नहीं सर, दक्षिण मतलब ऑप्शन डी। क्या करें? ऑप्शन डी को लॉक करें सर। डी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, बताया। छह प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 20,000 रुपये जीत गए आप। तंजौर जो है वो तमिलनाडु से है, मैसूर कर्नाटक से, और कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। ये चित्रकला वहाँ की है, इसलिए दक्षिण बिल्कुल सही उत्तर था आपका। अब आ गया है 7वां प्रश्न और वो 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। २०२३ में किस 19 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन का एकल खिताब जीता है? Which 19-year-old tennis player won the singles title at the US Open in 2023? Option सुनिए। A. Carlos Alcaraz. B. Coco Gauff. C. Jessica Pegula. D. Ben Shelton. ये तो सर हाल ही की है, ये मतलब अमेरिका की है, ये कोको गॉफ। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सर प्लीज, ऑप्शन बी को लॉक करें। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर, जी सर, ऑप्शन बी। कोको गॉफ बी पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। कोको गॉफ जो है वो अमेरिका से है और उनकी उम्र है 19 वर्ष, जैसे कि प्रश्न था, जिन्होंने रीना सबलेंका को फाइनल में हराया था 19 वर्ष की उम्र में। देखिए लेकिन ये जितने खिलाड़ी हैं सर, इतने कम उम्र में चैंपियन बन जाते हैं। उसके बगल में जो था ना कार्लोस अल्कराज, उसको आपने देखा है खेलते हुए विंबलडन में? उसने हाँ सर जोकोविच को हराया था। हाँ सर, अद्भुत खेल है उसका, वो भी कुछ 18-20 वर्ष का है, बढ़िया खेल रहे हैं सर, अद्भुत।
ऑलराइट शेख सर, आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके सामने आएगा। आठवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुवर्ण रेखा नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? जी सर। द सुवर्ण रेखा रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए उड़ीसा, बी वेस्ट बंगाल, सी झारखंड या डी केरल? ये सर हमारे उड़ीसा के है सुवर्ण रेखा नदी, तो सर दक्षिण में है केरल, तो वहां तो नहीं जाएगी ना सर। ऑप्शन डी केरल को लॉक किया जाए। डी केरल पे था लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत अच्छा अनुमान लगाया। ये उड़ीसा की नदी है, वो तो दक्षिण में है, वहां कैसे जाएगी? सुवर्ण रेखा नदी का बेसन जो है वो झारखंड में है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के एक छोटे से क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जो उनका जो बेसन है सुवर्ण रेखा नदी का। ओके मान्यवर, आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। दो लाइफलाइन बची है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस टीम ने आईपीएल के सबसे अधिक सीजन खेले हैं? Which of these teams has played the most number of seasons in the IPL? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बी गुजरात टाइटन, सी लखनऊ सुपर जायंट्स, डी चेन्नई सुपर किंग्स। सर इसमें होता क्या है, मतलब पहले से तो है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, फास्ट से पहले से है। ये चेन्नई जो है ना सर, ये बीच में शायद नहीं थे, और ये तो दोनों सी और बी तो हाल ही में आए हैं, तो इसका मतलब सर ऑप्शन ए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। क्या किया जाए सर? ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। ऑप्शन ए पे लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसका अनुमान लगाया कि ये तो बहुत रिसेंट में टीम है, और चेन्नई खेल रहे थे लेकिन बीच में उनको थोड़ा बैन हो गया था उनका, इसलिए यही होगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 2008 से आईपीएल के सभी सीजन में भाग लिया है, और गुजरात और लखनऊ की टीम जो है वो 2022 से खेल रही है। चेन्नई की टीम बीच में दो सीजन वो नहीं खेल पाई थी। ओके अब इनके सामने रखेंगे हम 10वां प्रश्न, जो कि खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये। शेख सर, जितने भी कंटेस्टेंट्स यहाँ पहुँचते हैं ना, हम उनको एक चेतावनी देते हैं कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मौका दोबारा आपके इस खेल के जीवन में नहीं आएगा। यहाँ अगर उत्तर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाते हैं 10,000, ठीक है? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूनानी खोजकर्ता मेगास्थनीज ने भारत पर एक ऐतिहासिक पुस्तक के लिए इनमें से किस नाम का उपयोग किया था? Which of these names did the Greek explorer Megasthenes use for a historic work on India? A. Sindhu, B. Aryavart, C. Indica, D. Jambudvip. सिंधु, आर्यव्रत, सी इंडिका, डी जम्बुद्वीप। सर ये मेघस्तिन जो है ना, ये शायद चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। ओके। और सर हुआ था क्या ना, मतलब इन्होंने किताब लिखा था, और उस मतलब वो किताब का नाम है इंडिका। ओके। और उसके लिए उन्हें जो है ना, मतलब कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री सर कहा जाता है, तो इसलिए सर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। ऑप्शन सी इंडिका पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं शेख सर। बहुत सारी जानकारी भी थी प्राप्त इनको, और ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, बधाई हो। ₹3,20,000 जीत गया, और चेक आ रहा आपके नाम। ये है देखिए भाई साहब, 3,20,000 रुपए का चेक आ गया भाई साहब, चेक सिग्नेचर वाला। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। तो मेगास्थनीज जो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे कि आपने कहा कि दरबार में सेल्यूकस द फर्स्ट निकेटर के यूनानी राजदूत थे, और उन्होंने इंडिका पुस्तक में उपमहाद्वीप में अपने समय का विवरण जो था वो दिया था। बिल्कुल सही, आपको इतिहास के बारे में पूरी जानकारी है। सर आप एक बार बोल दीजिए ना कि आप यहाँ से जरूर 3,20,000 लेके जाएंगे, मैं सर यही तो सुनना चाहता था सर।
सर हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ से 1 करोड़ रुपया जीत कर जाएं। थैंक यू सर। लेकिन आज निश्चित रूप से आप 3,20,000 रुपया ले जाएंगे यहाँ से, ये कोई नहीं छीन सकता आपसे। और देखिए 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। जी सर। और आगे का खेल भी बचा हुआ है। जी सर। समय की कोई पाबंदी नहीं होगी, समय ही समय मिलेगा आपको, क्योंकि ये बाधुमती जी शांत हो जाएंगे। और शेख सर, आप शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनका सब्जेक्ट क्या होता है, क्या विषय होता है उनका? ऐसे तो सर मैं सब पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे सर मैथमेटिक्स पढ़ाना और ज्योग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और सर मेरा मानना क्या है सर कि मैथमेटिक्स सब बच्चे समझते हैं बहुत टॉप है, मगर इसीलिए क्या होता है, मैं जो सर नए नए ट्रिक्स और जो है नए नए मतलब ऐसे कुछ एंटरटेनिंग आइडिया निकालता रहता हूँ, जैसे बच्चों को लगे जो ये मेरे लिए मतलब कोई बोझ नहीं है। तो क्या तरकीब दिखाते हैं आप उनको? सर अगर आप चाहे तो मैं सर एक तरकीब दिखा सकता हूँ, उसके लिए सर एक बोर्ड और मतलब। अच्छा ये भाई एक बोर्ड मिलेगा क्या? ताली बज जाए इनके लिए, दिखाएंगे ये। यहाँ लगा सर हमको करना क्या है? हाँ। कि कोई भी 2 अंक के 5 संख्या लेना है, एक आप बोलोगे, उसके बाद आपके मर्जी में जो भी संख्या है, बोलने से पहले मैं कुल कितना निकलेगा, टोटल क्या निकलेगा मैं पहले से आपको बता दूंगा, और इसमें मैं लिख के दूंगा, आप इसको अपने जेब में ही रख सकते हैं, बाद में जब आप सब बोल दोगे उसके बाद में जो ऐड करा जाएगा वो जो होगा इसमें वही निकलेगा। कोई भी नंबर? कोई भी नंबर आप बोले ना। 67। इसका मतलब इसमें मैंने पहले से आंसर लिख रहा हूं कितना होगा, 5 लिखने के बाद में क्या निकलेगा। ये सर आप रख लीजिए, जेब में रख लीजिए, इसको जेब में रख लें, जहां रखिए सर। अब सर बोलिए, आप कोई भी संख्या बोलिए। 19। ये सर आप 2 हो गए, मैं 1 लिखता हूँ सर। हाँ। फिर 1 बोलिए सर आप। 99। मैं लिख रहा हूँ सर, अब इसको कुल कर देंगे, ये 3 जो है आपकी हाँ। तरफ से लिखा हुआ आप ऐड करेंगे, 9, 9, 18, 7, 25, 2, 8, 1, 9, 8, 17, 9, 26, देख लीजिए सर उसके अंदर क्या है। अरे 265 लिखा है इसमें। सर अब तरकीब बताइए हमको। हाँ सर, करना क्या है सर? हम भी घर जा करके सबको बताएंगे। जी सर। कि मैथमेटिक्स कैसे खेला जाता है। ये जो है ना सर, ये पहले जो बताया था आप, हाँ, इसी से आंसर निकलेगा। ये 2 सेट हो गए, इसमें 1 आपके तरफ से 1 मेरी तरफ से। एक चीज का ध्यान रखना है कि ये दोनों जो है 99 होंगे, दोनों मिलकर 99 होगा। हाँ, ओके। एक आपने यहाँ भी उसको 99 बोल दिए, तो मैंने 0 लिखा, इसका मतलब उसका ऐड करने से जैसे 99 होगा। ओके। तो अब हुआ क्या, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, ये 200 से जो है 2 कम रहेगा। हाँ। ये जो 2 कम हुआ इससे 2 घटा दें तो 65 हो गए, और ये 200 का 2 लिख दिए। ओहो, ये अद्भुत तरीका है सर। 1956 में आप कहाँ थे? हम पढ़ रहे थे मैथ, हमको तो आता नहीं था ये सब, अगर आप मिल जाते तो हम सीख जाते कुछ, शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे तब। वेल डन। तो बड़ा अद्भुत है सर, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको भी मैथ वैथ समझ में नहीं आती थी स्कूल में, और हम यूनिवर्सिटी में चले गए BSc लेकर के, क्योंकि और कहीं दाखिला मिल नहीं रहा था हमको, आपका नंबर नहीं है। फिर हम 2-3 जगह और गए, दिल्ली में जगह नहीं मिली सर, तो हमको किसी ने कहा चंडीगढ़ में मिल जाएगी, तो साइकिल पे हम चलाते हुए चंडीगढ़ गए दिल्ली से। हाँ, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा सर हमको पहुँचते हुए साइकिल पे। अब पूछेगा नहीं कौन कैसे ही। सर ऐसा हुआ कि जो चंडीगढ़ बस जाती है ना, उसको पकड़ लिया पीछे और घसीटते हुए ले गया, हमको पहुंच गए हम जल्दी। तो फिर सर मिल गया हमको दिल्ली में कॉलेज में BSc, और जो पहला लेक्चर था ना भाई साहब 45 मिनट में, उसी समय हम समझ गए कि बहुत भारी गलती हो गई। ये साइंस तो बहुत ही भयंकर सब्जेक्ट है। तो किसी तरह सर 3 साल उसको हमने भुगता,
और फिर वो क्या बोलते हैं सर, वो जो किताब होती है ना जिसमें सब गाइड बुक होती है, उसको रट करके किसी तरह इम्तिहान दे दिया, ग्रेजुएट हो गए। लेकिन कुछ याद नहीं है सर हमको। तो अगर आप उस समय मिले होते तो हम शायद हमको सही मार्क वाइट मिल जाते। बहरहाल तो ये जो भोंपू बजता है ये देता है आदेश सुपर संडूक का ही। देखिए आ जाएगा। तो सुपर संडूक के बारे में तो आपको पता ही है क्या होता है। जी सर, जी सर। अच्छा प्रश्न हिंदी में बोलूं अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में बोलें। जी सर। ओके तो देव सज्जनों लेट्स प्ले सुपर संडूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संडूक। ठीक सर, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से क्या एक भारतीय रोटी है? कुलचा, खीर, पोहा, पोंगल। पास। नेक्स्ट, इनमें से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए आपको डंडियां चाहिए होती हैं? गिटार, हारमोनियम। सही। नेक्स्ट, मोंट ब्लांक किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिमालय, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज। रॉकीज। रॉन्ग। नेक्स्ट, पुरुषों के एक दिवसीय विश्व कप में किस टीम ने भारत को फाइनल में हराया है? दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन बिल्ली परिवार से संबंधित नहीं है? जिराफ। टाइगर। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या मुख्य रूप से मोम से बना होता है? पेंट ब्रश, क्रेयॉन, इरेजर, पेंसिल। बी, ऑप्शन बी। करेक्ट। नेक्स्ट, 2022 का हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसने जीता था? यज्ञेश दवे, निरंजन मिश्रा। मिश्रा। बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गलत। नेक्स्ट, उड़ान योजना का संबंध किस प्रकार की सुविधा से है? ए, अस्पताल, बी, डाकघर, सी, हवाई अड्डा, डी, रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सी, हवाई अड्डे। सही। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ किस क्षेत्र में स्थित है? कुछ बिहार, मेवाड़, गढ़वाल, कलिंगा। मेवाड़। सही। नेक्स्ट, इनमें से किसे नागर और द्रविड़ शैलियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? चित्रकारी, नृत्य, मंदिर वास्तुकला, संगीत। मंदिर वास्तुकला। करेक्ट। नेक्स्ट, समय समाप्त हो गया भाई साहब। अब बता दें आपको कि आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 70,000 रुपए जीत गए। तो जहां जहां आप गलत हुए थे ना, पहले हम आपको उसका सही उत्तर बता दें। मोंट ब्लांक किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आपने कहा रॉकीज, नहीं, हेल्प्स में है। दूसरा जो गलत हुआ था वो था 2022 का हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसने जीता था? आपने कहा मिश्रा जी बी ने, बद्री नारायण ने जीता थे इसे। एक और प्रश्न जो आपने पास किया था, इनमें से क्या एक भारतीय रोटी है? कुलचा, नहीं मालूम। खीर, पोहा, पोंगल, रोटी कैसे हो सकती है? मतलब ये चारों तो सर मैंने कभी खाया नहीं सर। नहीं खाया नहीं इसका मतलब नहीं, तो कुलचा देखा नहीं आपने कभी? रोटी होती है भाई साहब। एक काम कीजिए भाई साहब। जी सर। अभी आपने जीत लिया है अच्छी खासी रकम। पत्नी जी को बहुत कंप्लेंट रहता है कि आप उनके साथ रोमांटिक नहीं हैं। एक काम कीजिएगा, अगली बार जब गाना वाना देख रहे होंगे ना, तो ऐसे हाथ डाल के तो अब हमको पता नहीं आप उनको कैसे पुकारते हैं, लेकिन आम तौर पर जो समझी हुई बात है, हेलो डार्लिंग। तो चलो चलते हैं, तुमको ले चलते हैं दिल्ली। सर दिल्ली गए हैं कभी आप? नहीं सर, मैं गया हूँ एक बार। आप गए हैं? तो हमको कैसे आप कह सकते हैं कि कुलचा नहीं खाया आपने वहां पर जाके? नहीं खाया। चलिए तो ले जाइएगा उनको सर, और कुलचा खिलाइएगा, बहुत स्वादिष्ट। बहुत शौक है सर। हाँ। मतलब ये तो सर, मतलब जैसे 3,20,000 जीत गए ना। हाँ। सबसे पहले तो सर मुझे 2 काम करना है। हाँ। जैसे कुछ गहने जो है बैंक में गिर हुए है उसे छुड़ाना है, और सर जो है मतलब इसको जो है दिल्ली घूमना है, दिल्ली घुमाना है सर। चलिए हो गई बात आपकी। तो अब बताइए ये 70,000 जो है बैंक में डाले या लाइफ लाइन को जीवित करेंगे? नहीं सर, ये हमारे यहाँ का सर ऑडियंस जो है ना बहुत समझदार है, मैं सर ऑडियंस। ओके ओके ऑलराइट। तो ज्ञान नाथ जी ऑडियंस पोल को ये फिर से जीवित करना चाहते। अब शेख सर आपकी जो खेल की स्थिति है बहुत अच्छी हो गई है। जी सर। 3 लाइफलाइन, तीनों लाइफलाइन बची हुई है। 3,20,000 रुपया जीत लिया है। अगर आपने इन लाइफलाइन का सही उपयोग किया तो वो जो जेब में रखा है ना चकवा, जी सर, उस पर दस्तखत आ जाएगा हमारा 1 करोड़ का। ठीक है? जी सर। ऑलराइट। अब आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न। इसे बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, ये 0 रिस्क क्वेश्चन कहलाता है इसको, क्योंकि यहाँ अगर गलत हो गया तो कुछ खोएंगे नहीं। वो 3-20 वाली बात जो हमने कही थी ना, वो निश्चित है 3-20 ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि और आप जीत करके जाएं यहाँ से।
ग्यारहवां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। किस भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट को 2023 में प्रतिष्ठित रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? Which Indian oncologist was a recipient of the prestigious Ramon Magsaysay Award in the year 2023? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए निरंजन नायक, बी अंकुर बहल, सी चंद्रकांत नायर, या डी रवि कन्नन। सर ये मैंने तो पढ़ा है, ये जो रोमन मैगसेसे है इसे तो सर एशिया के नोबेल भी कहा जाता है। सर मैंने पढ़ा है, मतलब ये हाल ही का न्यूज है, ये सर ऑप्शन डी रवि कन्नन, ये जो है सर मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर के बहुत बड़े सर सर्जन है, तो सर ऑप्शन डी को लॉक किया जाए सर। डी रवि कन्नन, डी पे ताला लगाया जाए। आपने जहां कहीं भी पढ़ा था बिल्कुल सही पढ़ा है। 6,40,000 रुपए जीत गए आप, 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। और जैसा कि आप कह रहे थे ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो कैंसर के क्षेत्र में काम करते हैं, और डॉक्टर रवि कन्नन काछर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निर्देशक हैं, और उन्होंने असम में कैंसर के उपचार में क्रांति लाने का श्रेय दिया है, वो दिया जाता है उन्हें। बिल्कुल सही पढ़ा आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ओके अच्छा शेख सर, एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछिए। जी सर। क्या प्रेरणा मिली आपको या आपके मन में थी कि आपको केबीसी में आना है? मेरी लाइफ में ना सर मैं एक नई जो है ना शुरुआत करना चाहता हूँ। बहुत सारे इंसिडेंट मेरे लाइफ में सर हो गए, जैसे कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ सर, देखिए सर 2008 और 2013 के अंदर में वो मतलब ओडिशा बंगाल बिहार में जो चिटफंड स्कैम पता नहीं था, गांव में ऐसे बैंक वगैरह भी नहीं होते थे, तो क्या हुआ ना मेरे एक सीनियर ने मुझे मतलब कहा कि देखिए इसमें अगर आप एजेंसी ले लेते हो तो कुछ पैसे भी आपकी इनकम हो जाएंगे, तो मैंने उसमें एजेंसी ले लिया। गांव में ऐसे तो मैं बहुत कम लोग पढ़ते रहते हैं, ऐसे मैं पढ़ा लिखा था तो गांव के लोगों के भी गुडविल मेरा था, तो उन्होंने जो है मेरे भरोसे पैसे भी दिए। अराउंड सर मैंने गांव से 50,00,000 रुपए मतलब उस कंपनी में दे दिया, ऐसे तो मुझे महीने के 4-5,000। यानी आपने एक तरह से बेचा, एजेंट के तौर पर, एजेंट के तौर लिया, उसमें रख देता। उस वक्त रिटर्न भी आते थे लोगों को, मतलब रखते थे और रिटर्न भी पा रहे थे, लेकिन अचानक से 2013-14 में जो है ना उसे बैन कर दिया गया। हाँ सर, जब बैन कर दिया गया समझ लो लाइफ जो है ना लोगों के गांव के क्या है, उनको पता था कि हमने तो शेख सर को दिया है, उनको क्या मालूम है कंपनी ले गई कि कंपनी के पास रखा गया था, ऐसे तो कुछ नहीं है ना। तो सर जीना मुश्किल था उस वक्त, मैं क्या बताऊँ सर, आप समझ नहीं पाओगे। मतलब ऐसा टाइम आ गया था ना, लगता था कि अगर मैं रिक्शा चलाता तो भी अच्छा से रह सकता था, मैंने क्यों इसमें गलती किया। और सर ऐसे भी समय आया था मुझे लगा कि सर सुसाइड कर लेना ही बेटर रहेगा। लेकिन सर मेरे बच्चे और बीवी के खातिर मैंने क्या कहूँ सर, कहीं भी जाओ कहीं से भी अगर दुकान से कुछ सामान भी खरीदो ना, लोग कहने लगे कि हमारे पैसे जो ना ये मार के रखा था ये सब कर रहा है। बहुत तकलीफ हुई सर उस वक्त, उस दिन तक ऐसा चला। फिर सरकार ने जो है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनको दिया जाएगा, ऐसे मतलब अभी तक तो उसका कुछ समाधान नहीं हुआ, लेकिन मतलब मैं समझ नहीं सकता कैसे किस तरह वो बहुत तो गरीब लोग थे गांव के, उनके चले गए, मेरे पास इतना मतलब मैं अगर खुद को क्या सब कुछ बेच बाज भी दूँ तो उनका रिटर्न भी मैं नहीं कर पाऊँगा सर। अभी क्या स्थिति है? हाँ सर अब तो सर स्थिति थोड़ा सा संभल गया है सर, ठीक ठाक है। भावुक होना स्वाभाविक है और हम समझ सकते हैं कि जिन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं उसमें कोई भी इंसान जो है वो इस तरह से भावुक हो जाएगा। बड़ा कष्ट होता है सर हृदय पर मन में कि जिस काम से हमने लोगों को बुलाया या उनसे पैसे लिए कंपनी के लिए लिए, हाँ सर, लेकिन अब वो बंद हो गई कंपनी तो सारी जिम्मेदारी हम पर डाल रहे हैं, कोई बात नहीं। ओके ऑलराइट शेख सर, आपने 6,40,000 रुपए जीत लिए और अभी भी आपको बता रहे हैं कि आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। जी सर, बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। आ रहा है 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए के लिए, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
ब्लू वेल द्वारा फिल्टर फीडिंग प्रणाली के रूप में उपयोग की जाने वाली केराटिन प्लेट्स को क्या कहा जाता है? What are the keratin plates used as a filter feeding system by the blue whale called? Option suniye: A. Baleen. B. Cilia. C. Bivalve. D. Mandible. मतलब ये तो सर मुझे मतलब ब्लू व्हेल और क्या होते हैं इसका तो फिल्टर फीडिंग प्रणाली। तीन लाइफलाइन है आपके पास, क्या कहा जाता है उनका उपयोग कर सकते हैं। बलीन, सीलिया और समय की कोई पाबंदी नहीं है। नहीं सर, मैं सर लाइफलाइन ही। ओके, तीनों जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर उन्हार ऑडियंस का सर लूंगा। ऑडियंस ऑडियंस लेंगे? जी सर, जी सर। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जो है वो शेख सर जो है वो इसको लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए को दिया है 55%। जी सर। 24-18-3 मिला है बी सी डी को। जी सर, मैं सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा सर। ऑडियंस के साथ जाएंगे। प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑलराइट, ए पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। सर हमने कहा था कि हम कोई लांछन नहीं कस रहे हैं इनके ऊपर, तो हमने कहा था कि थोड़ा सा ध्यान से, कई बार जो होता है ऑडियंस गलत हो जाती है। सबसे ज्यादा प्रतिशत दे दिया है ए 55% को और आप मानिए या ना मानिए ये बिल्कुल सही जवाब। बड़ा मुश्किल प्रश्न था और जितने भी हमने अपशब्द कहे थे आपके लिए वो हम सब वापस लेते हैं और आपसे माफी मांगते हैं, क्षमा कर दीजिए हमको। 12,50,000 रुपए जीत लिए भाई साहब आपने। ब्लू व्हेल्स जो है वो पानी के अंदर अपना मुंह खोलकर बहुत सारा पानी भीतर वो लेती है, है? फिर वो पानी को बाहर धकेलती है और क्रिल्स जैसे जीव बालीन द्वारा फिल्टर किए जाते हैं और उसका भोजन बनते हैं। क्या सर, कैसे कैसी चीजें बनाई हुई है? सर मैं एक बात कहना चाहूँ। हाँ जी। मतलब सर अगर आज मेरी माँ होती ना सर, बहुत खुश होती, सबसे ज्यादा खुश होती सर। हुआ क्या सर, मतलब मेरी माँ ना जैसे कि बहुत, मेरे अब्बा का जो है एज बहुत ज्यादा होने के बाद मेरी माँ से शादी हुई थी, तो हमारे जो है ना सर 9 भाई बहन है। ओके ओके। हाँ तो मतलब मेरा जितना मतलब ख्याल है ना वो संभालने के बाद मैंने कभी जाना नहीं जो मेरे बापा जो है, मेरा अब्बा जो है कभी इनकम कर रहे हैं कुछ। ऐसे सुना था कि वो जो बैलगाड़ी चलाते थे गाँव में जो, तो धान के जो कूटा होते हैं ना वो लेकर जाते थे शहर में जो है बेचा करते थे, लेकिन कभी मैंने देखा नहीं। मगर मेरी माँ जो है हम सबको संभालने के लिए बहुत तकलीफ की, मतलब तो दूसरे वहाँ जाके काम करना, मतलब बहुत सर, मतलब क्या बोलूँ सर, लेकिन सर मतलब मुझे एक ही चीज़ की दुख है, जब मैंने कुछ पैसे इनकम किए ना मेरी माँ को खुश नहीं दे पाया सर, वो 2008 में चली गई अल्लाह की प्यारी होगी, मुझे बहुत दुख है सर। देखिए माँ के प्रति जो है भावनाएं होना बहुत ही स्वाभाविक है और आपने यदि अपनी माताश्री को, ठहर जाइए हम देंगे आपको। आज अगर मेरी माँ हो तो सबसे ज्यादा सर खुश होती। ये लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए। थैंक यू सर। लेकिन देखिए आज का दिन जो है अब भावुक होने का नहीं, आपको गर्व होना चाहिए। आपकी माताश्री जो हैं वो ऊपर से आपको देख रही हैं और वो आपके साथ हैं और जो कुछ भी आपके अंदर मनोकामना थी कि आज मेरी, आप कह रहे हैं कि अगर माँ जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती, पर अभी भी वो बहुत खुश है। मैं आपको बता दूं, इतना हमको मालूम है कि जब भी वो, हाँ जी ऐसा होता है,
संतान जो है कुछ भी करे वो हमेशा निगरानी रखते रहते हैं हमेशा। तो अल्लाह मियाँ के पास हैं वो, और हम उम्मीद करते हैं कि आज वो बहुत ही खुश होगी आपकी तरक्की को देखकर। लेकिन अभी आपका खेल खत्म नहीं हुआ, अभी और भी अवसर हैं कि आप उनको और भी प्रसन्न करें और भी खुश करें, ठीक है। अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए मिल सकते हैं इसके लिए आपको। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। किस गवर्नर जनरल ने अमेरिकी क्रांति में ब्रिटिश पक्ष के लिए और भारत में टीपू सुल्तान के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी थी? Which governor general fought on the British side in the American Revolution and against Tipu Sultan in India? Option suniye: A. William Bentinck, B. Warren Hastings, C. Richard Wellesley, ya D. Charles Cornwallis. Richard Wellesley, D. Charles Cornwallis, B. Warren Hastings, A. William Bentinck. तो इतना तो मालूम है मुझे सर, जैसे ये जो रिचर्ड वेल्सली थे ना, ये 1799 में जो फोर्थ मैसूर वार हुआ था उसमें ये इन्वॉल्व थे, मतलब जब टीपू सुल्तान शहीद हुए थे या मारा गए थे उसमें तो थे ये रिचर्ड वेल्सली। किस गवर्नर जनरल, मतलब पहले थे गवर्नर, गवर्नर हुए पहले रॉबर्ट क्लाइव से स्टार्ट हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के बाद में वारिंग हेस्टिंग तक गवर्नर गए, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल हुए जैसे रिचर्ड वेल्सली। टीपू सुल्तान के खिलाफ सर एक ही, मतलब ये सी वेल्सली जो है, ये जो है 1799 में ये लड़े थे सियो बंगाल के, इसको ये भी कहा जाता है, मतलब वेल्सली को सर बंगाल के शेर ऐसे कुछ कहा जाता है, ये भी मुझे पता है। लेकिन गवर्नर जनरल में संदेह हो तो आपके पास दो लाइफलाइन है, आप ले सकते हैं। जी सर, लाइफलाइन लूंगा सर। लाइफलाइन जी, एक तो है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और एक है डबल डिप। जी सर, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल जी सर, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। शेख सर, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये हैं नासिर खान है, मुख्तार खान है और शरद कुमार राठी। जी सर, मैं मुख्तार भैया से बात करना चाहूंगा सर। मुख्तार खान से? जी सर। ऑलराइट, मुख्तार खान साहब को वीडियो कॉल लगाया जाए। सर रिश्ते में है ये आपके? हाँ सर, ये मेरे खाला के भाई बेटे हैं, भैया है मेरे भाई। अच्छा अच्छा, बड़े भाई। भाई है आपके? मुख्तार खान साहब, आवाज आ रही है हमारी? नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। शेख अजमत जी हमारे सामने बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, तो उनकी आवाज आएगी अभी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, और 45 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना होगा, ठीक है? तो अगली आवाज है शेख जी की। शेख सर, आपका समय शुरू होता है अब। भैया, किस गवर्नर जनरल ने अमेरिकी क्रांति में ब्रिटिश पक्ष के लिए और भारत में टीपू सुल्तान के विरोध में भी लड़ा था, मतलब अमेरिकी क्रांति में ब्रिटिश के पक्ष में लड़ा था, फिर भारत में टीपू सुल्तान के विरोध में भी लड़ा था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, बी में वारिंग हेस्टिंग, सी में रिचर्ड वेल्सली, डी में चार्ल्स कॉर्नवालिस। मुझे लग रहा है सर रिचर्ड वेल्सली होना चाहिए। जी सर, बट जी ऑप्शन सी लग रहा है मुझे, रिचर्ड वेल्सली ऐसा लग रहा है मुझे सर, ऑप्शन सी लग रहा है, बाकी आप अपने हिसाब से तय कर लें। मुश्किल प्रश्न है शायद, वो शोर नहीं है। अच्छा, वारिंग हेस्टिंग कर्नवालिस के बाद शायद आए थे रिचर्ड वेल्सली, तो रिचर्ड वेल्सली अगर होंगे चौथे में, कर्नवालिस भी हो सकते हैं क्योंकि
वैसे तो टीपू सुल्तान के अब चार युद्ध हुए थे, मतलब आखिर वाला 1769 में हुआ था, पहला शायद 60 से स्टार्ट हुआ था, चार हुए थे। ठीक है सर, मैं लेता हूँ सर राखी लाइफ लाइन डबल टिक। डबल टिक और जी सर। कबीर जी, शेख सर डबल डिप लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। शेख सर, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं, आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। दो अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए, अपना पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन डी कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी चार्ल्स कॉर्नवालिस पे ताला लगाया जाए। जरीना भी, आपको मालूम है कि अब ये क्विट नहीं कर पाएंगे खेल, क्योंकि डबल डिप ले लिया इन्होंने जी। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सुंदर तरीके से खेला है, ये एकदम सही जवाब दिया है। वेल प्लेड, बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है इन्होंने डबल डिप का। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं भाई साहब। चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम से भी जाना जाता है, एक सैनिक और राजनेता थे, ये दोनों थे। उन्होंने 1776 में जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी अमेरिका में, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, और ब्रिटिश द्वारा अमेरिकी युद्ध हारने के बाद वो एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध सेना में शामिल होने के लिए वो भारत आए थे। वाह, बहुत सुंदर उत्तर दिया। शुरू से ही आपका मन जो था वो कॉर्नवालिस पे था या वेलेस्ली पे था? हाँ, वही दोनों सर कंफ्यूजन रहते, वो लड़े थे, मतलब कॉर्नवालिस भी लड़े थे, मतलब यही सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। ऑलराइट शेख सर, 3 लाइफलाइन चली गई आपकी। जी सर। अगला प्रश्न जो है ये है 14वां प्रश्न और है 50 लाख रुपए। केवल एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपको बिल्कुल मन में तय हो कि यही सही उत्तर है तो ही खेलिएगा, वरना आप क्विट कर सकते हैं, 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। जी सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। '98 में नासा द्वारा चांद तक ले जाए गए कैप्सूल पर साहित्य की किस कृति की एक पंक्ति दिखाई देती है? A quote from which work of literature appears on a capsule taken by NASA to the moon in the year 1998. Options A, Romeo and Juliet, B, Macbeth, C, Hamlet, D, The Merchant of Venice. ये चार बहुत ही प्रख्यात, हाँ सर, खेल है, नाटक है शेक्सपियर के। मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, जूलियट। नासा द्वारा चांद तक ले जाए गए कैप्सूल, नहीं सर मुझे नहीं मालूम, आइडिया नहीं सर। ऑलराइट, क्या करेंगे? नहीं सर, मेरे लिए तो ये मतलब पहाड़ जैसे मतलब रकम हो गई सर। यहाँ से सर मैं गिर जाऊँ ऐसा ख्वाब में सोच सकता सर, मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे जी सर। शेख अजमत जी क्विट करना चाह रहे हैं, अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्विट करें। 25 लाख रुपए जीत जाएंगे और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया और ट्रांसफर ना दबाया, 25 लाख रुपए भर दिए। ओके किया, कंफर्म किया और ये 25 लाख रुपए इसी समय आपके बैंक में पहुंच गए, बिल्कुल जल्दी आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, पत्नी जी बहुत खुश हैं, लेकिन सर मेरा ऐसा मानना है कि आपकी माताश्री जो हैं आज आपको बहुत आशीर्वाद दे रही होंगी। ऑलराइट, अच्छा सुनिए, अब इसका उत्तर बताइए, क्यों बताना पड़ा, किसी एक को गेस कीजिए। सी हैमलेट। सी हैमलेट पे ताल लगा जाए। सर ये गलत होता, सही है रोमियो एंड जूलियट। मैं बताता हूं क्या, एस्ट्रोजियोलॉजिस्ट यूजीन शूमेकर
की अस्थियों को नेसा 1998 में चंद्रमा पर ले गया था। उनकी राख वाले कैप्सूल में रोमियो एंड जूलियट के ये शब्द जो थे वो लिखे थे, एंड व्हेन ही शैल डाई टेक हिम कट हिम आउट इन लिटिल स्टार्स एंड ही विल मेक द फेस ऑफ हेवन सो फाइन। Thank you.